मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर झारखंड सेवा समिति के अध्यक्ष अमित सिन्हा, समाज सेवी विनोद साहू, जीतू अग्रवाल के सौजन्य से वार्ड नंबर 3 दुसाद मोहल्ला में 100 महिलाओं एवं बच्चों के बीच चूड़ा गुड़ का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर निधि बजाज, ज्ञान महिला समिति के संस्थापक विनोद जायसवाल के हाथों कम्बल का भी वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर निधि बजाज ने कहा कि झारखंड सेवा समिति मकर संक्रांति के मौके पर जो नेक कार्य कर रही है वो सराहनीय है। वहीं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि झारखंड सेवा समिति के अध्यक्ष अमित सिन्हा, विनोद साहू और जीतू अग्रवाल द्वारा जो जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है वह जिले में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ज्ञान महिला समिति के संस्थापक विनोद जायसवाल ने कहा कि गरीबों के बीच आगे भी कंबल का वितरण किया जाएगा और समिति महिलाओं को जागरूक कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर सुमित्रा देवी, रानी साहू, कांति देवी, लाली देवी सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं। रामगढ़ से HETV आवाज के लिए उत्तम कुमार की रिपोर्ट। हमारी बूढ़ी माँ है, आप आगे आइए माँ। एक हमारी बूढ़ी माँ है जो काफी सालों से हम लोगों को संगठन में जुड़ी हुई है, लगभग 15-20 साल हो रहा है इस महिला को हमारे संगठन से जुड़ी हुई। मैं माँ का भी आभार प्रकट करता हूँ। माँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आज ज्ञान महिला समिति काफी वर्षों से आप लोगों को मदद करने का कार्य करती है, किसी तरह का कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत, कोई शिकायत नहीं। मेरा काम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सब चीज मिला, कमल मिला, चूड़ा गुड़ मिला, और बोरी के छाता मिला, सब मिला है। ये आज ही बट रहा है कि पहले भी बटता था? पहले भी बट रहा है। देखिए, नया बात नहीं है, है ना? हाँ। एक हमारी कांति अभी जिंदा है, हम सब देख रहे हैं। अब मर जाएंगे तब क्या होगा? तो ऊपर वाला जाए। मैं इस माँ का भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारी एक, आप आगे आइए सर, आप एक हमारी मच्छरदानी बटाया पहला में, दूसरा में साल बटाया, तीसरा में चिड़ा गुड़ बटाया, अबरी चौथा में फिर कमल बटाया, पांचवा में फिर कमल बटाया, चिड़ा गुड़ बटाया। विनोद जायसवाल के धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमें बुजुर्ग महिलाओं को कंबल बांटने का और चूड़ा इत्यादि बांटने का मौका मिला। इस अच्छे काम में हम कुछ सहयोग कर पाए, इसके लिए काफी खुशी है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के काम हम करते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए।